सिवान जिले के महाराजगंज से एक बड़ी खबर आपको हम दिखा रहे हैं, जिस खबर को देखने के बाद आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। आपको बता दें कि महाराजगंज में चल रहे 9 दिवसीय संकट मोचन महायज्ञ में आज ब्राह्मणों ने अपने मंत्रों उच्चारण से अग्नि को प्रकट किया। ब्राह्मणों के मंत्रों उच्चारण के द्वारा अग्नि प्रकट की सूचना जैसे ही स्थानीय लोग को मिली, वे दौड़ते हुए उद्रित को देखने के लिए पूजा पंडाल के पास पहुंचे और जब उन लोगों ने साक्षात इद्रिस को देखा तो देखते ही वे लोग दंग रह गए। आपको बता दें कि महाराजगंज शहर के नागाजी मठ परिसर में उत्तर बिहार के प्रसिद्ध मौनिया बाबा मेले के शताब्दी वर्ष के अवसर पर 9 दिवसीय संकट मोचन महायज्ञ को लेकर बुधवार को हाथी घोड़े व बैंड बाजी के साथ श्री श्री 1008 बंदी महाराज व शांति देव महाराज के नेतृत्व में भव्य कलश यात्रा निकाली गई थी। वही कलश यात्रा में काफी संख्या में श्रद्धालु शामिल थे। बता दें कलश यात्रा पूजा स्थल से आरंभ होकर शहर के पुरानी बाजार सहित स्मारक, नया बाजार, राजेंद्र चौक, मोहन बाजार होते हुए कलेक्ट्री पोखरा घाट पहुंची, जहां बिशुनपुरा से पधारे आचार्य पंडित सुमन तिवारी ने वैदिक मंत्र उच्चारण के बीच जलाभरी की गई। वही कलश में जल भरकर कन्याओं ने यज्ञ मंडप पर शामिल हुई। बता दें कि इस यात्रा में बड़ी संख्या में युवा, बुजुर्ग, बच्चे, श्रद्धालु बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा लिए। आपको बता दें कि महाराजगंज में चल रहे 9 दिवसीय संकट मोचन महायज्ञ में सबसे आश्चर्य की बात याद दिखी गई कि यहां पूजा कराने आए आचार्य सुमन तिवारी, प्रदीप कुमार उर्फ नन्हे बाबा, राकेश कुमार चौबे उर्फ मुन्ना बाबा, वीरेंद्र कुमार तिवारी, वेद नारायण पांडे, रामभद्र ओझा, विजय कुमार तिवारी उर्फ पंडा बाबा इत्यादि ब्राह्मणों के मंत्रों उच्चारण के द्वारा वहां अग्नि प्रज्वलित की गई। ब्राह्मणों के द्वारा अग्नि प्रज्वलित की गई इस दृश्य को देखने के लिए वहां हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ भी देखी गई। वहीं जिन लोगों ने इस दृश्य को देखा वह देखते ही दंग रह गया, वह आश्चर्य में पड़ गया कि आखिर ये कैसे हो सकता है। आइए आपको हम दिखाते हैं पूरी हकीकत। चलिए बहुत जल्दी भगवान का आगमन हो गया।